Welcome to all the aspirants on my YouTube channel Khan Mentor Classes. Dear students, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी पे है. आप जानते हैं कि जो इन्वायरमेंटल साइंस में हमारे पास इन्वायरमेंट एंड एकोलॉजी पहला चैप्टर था जो हमने पीछे किया था, और उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा दूसरा चैप्टर है. इस पार्ट फर्स्ट में हम आपको बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन देंगे और लेवल ये लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और पार्ट सेकंड में हम जो है मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट थर्ड में हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और पार्ट फोर्थ में हम रेड डाटा बुक विच इज़ पब्लिश्ड बाई IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज की तरफ से जो पब्लिश की गई है उस बुक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज का जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का पार्ट फर्स्ट में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है और बायोडाइवर्सिटी के जो डिफरेंट जो लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो देखो, सबसे पहले अगर आपको बायोडाइवर्सिटी पे अगर आ जाता है, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछता है कि सबसे पहले जो टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने कोइन की थी, तो आपने लिखना है W.G. Rosin R-O-S-E-N रोसिन कोइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी. कब कोइन की थी इसने? 1985 में W.G. Rosin ने जो है टर्म बायोडाइवर्सिटी कोइन की थी. अगर आपको पता देता है कि फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आपने लिखना है E.O. Wilson. E.O. Wilson इज नाउन एज फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो हमारे पास एक आ गया कि बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले कोइन किसने की थी, तो आपने लिखना है W.G. Rosin R.O.S.E.N. Rosin कब की थी? 1985 में. और उसके बाद जो हमारे पास ये जो बायोडाइवर्सिटी का जो फादर है वो कौन है, वो E.O. Wilson है. तो ये तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई, लेकिन अब हमने समझना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है. देखो, बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है. ये आ गया आपके पास बायो, और ये आ गया आपके पास डाइवर्सिटी. तो बायो का मतलब हो गया लाइफ, बायो का मतलब हो गया लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब आ गया वेरिएशन. डाइवर्सिटी का मतलब आ गया वेरिएशन, या आप लिख सकते हैं वैरायटी, या आप लिख सकते हैं डिफरेंस. इसका मतलब है कि एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, एक स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके पास होंगे, छोटे से छोटे यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एक बड़े से बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, जितने भी जो आपके पास एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, एक पार्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, या पूरे अर्थ पे जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपकी बायोडाइवर्सिटी कहलाता है. तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करें, हम ऐसे लिख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट, और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टोटल सम ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ और लैंड इज नाउन एज बायोडाइवर्सिटी. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई. तो वेरिएशन का मतलब ही होता है वेरी करना, डिफरेंट, यानी वैरायटी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो होंगे, ठीक है, वो सब मिला के क्या कहलाता है, एक बायोडाइवर्सिटी कहलाता है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको टर्म बायोडाइवर्सिटी की समझ आ गई. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन या वैरायटी. इसका मतलब है जो हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ है ऑन द अर्थ, दैट इज नाउन एज बायोडाइवर्सिटी. अब वैरायटी ऑफ लाइफ में क्या आ जाता है, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
जितने भी प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज हैं, यानी जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब मिला के हमारे पास क्या बनता है, वो सब मिला के हमारे पास बनता है बायोडाइवर्सिटी। आई होप कि आपको टर्म जो है वो बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो गया, कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही हुआ कि हमारे पास अर्थ में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, या एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या बनाता है, वो बनाता है एक बायोडाइवर्सिटी बनाता है। क्या बनाता है? एक बायोडाइवर्सिटी बनाता है। अब इसके बाद जो हम, लेकिन सबसे पहले आप जानते हैं कि अर्थ पे जो आपके पास जो जितने भी जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। एज पर द बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट लोग हैं, बायोलॉजिस्ट से उनका मानना यह है कि ज़मीन पे यानी इस अर्थ पे 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज जो हैं अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। यानी आप जानते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो स्पीशीज का मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स यंग मैन ऑफ इट्स अवन काइंड। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास, अगर आपके पास ह्यूमन बींग है, ठीक है ना, ह्यूमन बींग की मैटिंग के बाद यानी ब्रीडिंग के बाद या रिप्रोडक्शन के बाद जो यंग वन होगा वो तो ह्यूमन बींग ही होगा, या अगर डॉग्स की रिप्रोडक्शन के बाद जो यंग वन होगा वो उन्हीं की तरह, पेरेंट्स की तरह होगा, उन्हीं जैसा होगा। कहने का मतलब है कि ह्यूमन बींग है वो एक स्पीशीज है, डॉग से वो एक स्पीशीज है, कैट से वो एक स्पीशीज है, टाइगर है टाइगर से वो एक स्पीशीज है, लॉयन है वो एक स्पीशीज है। तो टोटल हमारे पास जो कहा जाता है कि अर्थ पे कितने स्पीशीज हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है हमारे पास टोटल इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जितनी भी जो वैरायटी ऑफ लाइफ है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से वैरी करते हैं, मतलब ये एक दूसरे से डिफरेंट है। किसके बेसिस पे डिफरेंट है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज, कलर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस, न्यूट्रिशन, हैबिटेट एक्स्ट्रा, इन तमाम चीज़ों के बेसिस पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से अलग है, यानी उनमें वेरिएशन है। तो वेरिएशन इन लाइफ को तो ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, कि जितने भी जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से वेरी है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है। किस बेसिस पे वो डिफरेंट है? शेप, साइज, कलर, न्यूट्रिशन, हैबिटेट, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस वगैरह पे वो एक दूसरे से क्या करते हैं, वैरी करते हैं। अब इन्हीं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से का एक दूसरे से वैरी होना यानी एक दूसरे से अलग होना, उसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, वेरी करते हैं। वेरी का मतलब है कि वो एक दूसरे से अलग है। किस बेसिस पे अलग है? कलर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे और एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड सो ऑन। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, वेरी करता है। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जो वेरी होना है उस चीज़ को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी टर्म को समझने के बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसको कहा जाता है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसको कहा जाता है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे पास तीन किस्म का होता है। पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी और तीसरा होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। अब उन तीन ही किस्म की जो बायोडाइवर्सिटी के तीन डिफरेंट लेवल्स हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो हमारे पास पहला जो बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है, देखो ये बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
यानी अगर आपको पेपर में मैन्युअली आ जाता है, इस तरह से पूछ लेता अगर इजिली कि बायोडायवर्सिटी के कितने लेवल्स होते हैं, आपने आपको ऑप्शन में होगा 2, 3, 4, 5, तो आपने टिक करना है 3। अब वो 3 कौन कौन से लेवल्स है बायोडायवर्सिटी के, उन 3 लेवल्स को हम पढ़ेंगे और 3 लेवल्स को एलोबरेट करके हम समझते हैं ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड से बाहर न जा सके। तो पहला आ गया मेरे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी, पहला क्या आ गया मेरे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा आ गया मेरे पास, दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा है मेरे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी। और तीसरा है मेरे पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तीसरी चीज मेरे पास क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को भाई साहब कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, COMMUNITY, कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। अब हम इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग करके समझते हैं। चलो हम चलते हैं पहले वाले लेवल पे, जो बायोडायवर्सिटी का पहला लेवल कौन सा है। बायोडायवर्सिटी का जो पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। देखो हम जानते हैं यहाँ पे जो वेरिएशन होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी के केस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का जो अंतर होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें वेरिएशन होगा। तो मैंने क्या कहा था आपको, वेरिएशन किस बेसिस पे होता है, वो शेप, साइज, कलर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस, न्यूट्रिशन और हैबिटेट के बेसिस पे क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी के केस, डाइवर्सिटी के केस में क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के केस में ये है कि जो आपके पास जो स्पीशीज है, स्पीशीज तो एक ही है, लेकिन उस स्पीशीज में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो एक दूसरे से वैरी करते हैं, वो एक दूसरे से उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो अलग अलग है। मैं आपको एक एग्जांपल से आपको एलोबरेट करता हूँ। देखो हम मैं दो ह्यूमन बीइंग्स उठाता हूँ, मैं दो ह्यूमन बीइंग्स लेता हूँ, ठीक है। अब वो दोनों ह्यूमन बीइंग्स जो है एक ही स्पीशीज से, होमो स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो जो दोनों बंदे जो होंगे वो एक दूसरे से अलग हैं। किस बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। यानी एक बंदा होगा वो लंबा होगा, एक बंदा होगा उसके मुकाबले में छोटा होगा, एक बंदा जो होगा वो हैंडसम होगा, दूसरा बंदा मेरी तरह गया गुजरा होगा। तो इसी तरह से जो सेम स्पीशीज के लोग हैं, सेम स्पीशीज के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सेम स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो जो सेम स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अंतर है। अंतर किसका है, शेप का, साइज का। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, देखो हमारे पास एक बटरफ्लाई है, हमारे पास एक बटरफ्लाई है। देखो बटरफ्लाईज जो होते हैं डिफरेंट कलर्स की होती हैं। आपको आप जानते हैं कि बटरफ्लाई जो, जैसे हमारे पास मौसम बहार आता है, आप बटरफ्लाईज अलग अलग रंग के बटरफ्लाईज देखते हैं। अब देखो बटरफ्लाईज तो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। किस बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे। वो भी तो वेरिएशन आ गई, वो भी तो डिफरेंस आ गई। इसका मतलब है जेनेटिक डाइवर्सिटी के केस में क्या होगा, स्पीशीज जो होगा, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो अलग अलग है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो जीन्स पे डिपेंड करता है। जीन्स अलग अलग किस्म के हैं, वो जीन्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंपेयर टू पर्सन विद ईच अदर। तो एक बंदा जो है उसकी हाइट ज्यादा है, दूसरा बंदा की हाइट जो है कम है। एक बंदा है जिसकी नाक थोड़ी चपटी है, दूसरे की थोड़ी लंबी है। एक बंदा है जिसका कान छोटा है, दूसरे का थोड़ा बड़ा है। तो यही तो उनमें जो अंतर है, ये क्या है, उनमें जो वेरिएशन है, और उस वेरिएशन को क्या कहते हैं आप, उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो अगर आपको आता है कि अगर स्पीशीज सेम होंगे लेकिन उन स्पीशीज में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी इंडिविजुअल अलग अलग है, तो बताओ वो बायोडायवर्सिटी का कौन सा पार्ट होगा, तो आपने लिखना है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा। उसको क्या कहेंगे आप, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब यह हो गया
कि जो स्पेशीज जो होगा, स्पेशीज तो एक ही होगा, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक ही स्पेशीज से बिलोंग करते होंगे, लेकिन उन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द सेम स्पेशीज हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में अंतर है, यानी एक छोटा है एक बड़ा है, शेप उनका अलग अलग है या कलर उनका अलग अलग है, यानी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है उनकी अलग अलग है। जैसे आप कहते हैं वो बंदा जो है वो लंबा है, दूसरे बंदे के लिए आप कहते हैं वो बंदा जो है वो छोटा है, एक बंदे के लिए कहते हैं आप हैंडसम है तो दूसरे बंदे के लिए कहते हैं आप वो हैंडसम नहीं है, तो वो उनकी क्या है, वो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, जीन्स पे डिपेंड करता है। तो इस किस्म की डाइवर्सिटी को, इस किस्म की जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का जो अंतर है, जो वेरिएशन है, लेकिन वो दोनों ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करें, इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव द वेरिएशन, उसके बावजूद भी उनमें जो अंतर है उसको क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से आ जाता है, आप बताओ हमारे पास जो बटरफ्लाइज हैं वो डिफरेंट कलर की बटरफ्लाइज हैं, अब आप बताओ वो जो बटरफ्लाइज हैं, जो डिफरेंट कलर की बटरफ्लाइज हैं, आप उनको किस डाइवर्सिटी में शुमार करेंगे, तो आप उनको जेनेटिक डाइवर्सिटी में शुमार करेंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी के केस में स्पीशीज क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन जो स्पीशीज के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो अंतर होगा एक दूसरे के साथ, उसी चीज को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर कहा जाएगा आपको तो अब हमारे पास जो हम लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो बायोडायवर्सिटी का जो दूसरा लेवल है वो होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, और तीसरा लेवल होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। अगर आपको पेपर में आ जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज आल्सो नोन एज, चार ऑप्शंस अलग अलग होंगे, आपने लिखना है कम्युनिटी डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज आल्सो नोन एज कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो चलो हम पहले चलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब देखो भाई साहब, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है, आप जैसे कि आप जानते हैं कि एक इकोसिस्टम में या एक जो हमारे पास कम्युनिटी होती है, यानी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, उस कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, है ना, उस कम्युनिटी में यानी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट यानी डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। अब उन डिफरेंट स्पीशीज के बीच का अंतर क्या है, बहुत सारा अंतर है। देखो अगर सपोज मेरे पास ये एक यानी ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या है, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज है, तो मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। देखो यहां पे जो होगा, यहां पे एक फॉक्स होगा और यहां पे एक लॉयन है, ठीक है ना, इस इकोसिस्टम में, इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, क्योंकि इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर मान लेते हैं यहां पे जो स्पीशीज हैं अलग अलग प्रकार के स्पीशीज हैं, फॉक्स है, लॉयन है, जैकल है, बहुत सारी यहां पे जो है जो फॉर्म्स ऑफ यानी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है यहां पे, यानी डिफरेंट स्पीशीज हैं। अब मुझे आप बताओ ये जो डिफरेंट यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये तो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, अब इनके बीच का अंतर क्या है। देखो स्पीशीज तो डिफरेंट है भाई, ये तो फॉक्स है, ये लॉयन है, कुदरती बात है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, ठीक है, इसका न्यूट्रिशन अलग है, इसका न्यूट्रिशन अलग है, तो न्यूट्रिशन शेप साइज के बेसिस पे ही तो हमारे पास डाइवर्सिटी बनती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से अंतर है वो किस बेस पे है, शेप के बेस पे, साइज के बेस पे, कलर के बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे, हैबिटेट के बेस पे। अब इन आप मुझे बोलो कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में यानी इस इकोसिस्टम के अंदर, इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर स्पीशीज अलग अलग हैं, अब इन स्पीशीज के बीच का अंतर जो है, इन स्पीशीज यानी इन दोनों स्पीशीज को कौन सी चीज है एक दूसरे से अलग करती है, भाई ये फॉक्स है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बिल्कुल अलग है, लॉइन का अलग है, इसका क्या बोलते हैं, इसका न्यूट्रिशन अलग है, इसका न्यूट्रिशन अलग है, यही चीजें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्पीशीज जो है और ये स्पीशीज है ये एक दूसरे से वैरी करते हैं, किस बेसिस पे वैरी करते हैं, शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ये एक दूसरे से वैरी करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि एक जियोग्राफिकल यूनिट के अंदर या एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर
हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज होती है, यानी वेरिएशन ऑफ स्पीशीज होती है, यानी अलग अलग, यानी वैरायटी होती है स्पीशीज की। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई साहब हमारे पास एक जियोग्राफिकल एरिया है, मान लेते हैं उसमें तो अलग अलग स्पीशीज है, क्या है, अलग अलग स्पीशीज है, अब डाइवर्सिटी कहां से आ गई? भाई स्पीशीज अलग अलग है तो डाइवर्सिटी तो होगी होगी, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज के हैं, इनका जेनेटिक पूल अलग अलग होगा, इनका न्यूट्रिशन अलग अलग होगा, इनका शेप अलग अलग होगा, साइज, तो इसी बेस पे तो हम डाइवर्सिटी कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस बेस पे डाइवर्स है, किस बेस पे अलग है, वो उसके शेप साइज कलर वगैरह के बेसिस पे अलग है। तो यहां पे अगर ये एक स्पीशीज है तो ये दूसरी स्पीशीज है, एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन वो स्पीशीज जो हैं एक दूसरे से क्या है, जुदा है, वो एक दूसरे से वैरी करते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर आप स्पीशीज डाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पीशीज, एज द नंबर और अबंडेंस ऑफ स्पीशीज इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन, एक जियोग्राफिकल रीजन के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे वो क्या कहलाएगा, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी कहलाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला जो लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी है, लास्ट वाला जो लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी है वो है हमारे पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, या इसको हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी कहते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं, हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी कहते हैं। अब देखो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज द वेरिएशन इन इकोसिस्टम ओवर द प्लैनेट अर्थ, यानी इस अर्थ में हम जानते हैं कि अलग अलग इकोसिस्टम है। अब ये अलग, ये जो इकोसिस्टम है ये एक दूसरे से अलग है, किस बेसिस पे अलग है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, देखो मैं, ये हमारे पास अर्थ है, अब आप जानते हैं कि ये हमारे पास टुंड्रा वाला रीजन है, यानी टुंड्रा वो रीजन होता है जहां पे, यानी ये वाला रीजन जो होता है हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है, और इसमें प्लांट्स वगैरह ट्रीज नहीं बनते हैं, बल्कि छोटी छोटी वेजिटेशन और बाकी कुछ जो है स्पीशीज वहां पे पाई जाती हैं। अब मान लेते हैं अर्थ के किसी पार्ट पे, मैं मान लेता हूं यहां पे डिजर्ट है, और ये वाला है टुंड्रा का रीजन, ये वाला है यानी टुंड्रा इकोसिस्टम, और ये वाला है डिजर्ट इकोसिस्टम। आप मुझे बताइए इस टुंड्रा के रीजन में जो स्पीशीज सर्वाइव करते हैं क्या वो डिजर्ट में आके सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस डिजर्ट में सर्वाइव करते हैं क्या वो टुंड्रा रीजन पे जाके सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी हमें पता चला कि जो इकोसिस्टम होता है, एक इकोसिस्टम जो होता है वो दूसरे इकोसिस्टम से वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा इकोसिस्टम है हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में जितने भी जो वहां पे वेजिटेशन होगा या जितने भी जो स्पीशीज होंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है ना, क्या वही स्पीशीज जो पानी में रह रहे हैं वो आके जमीन पे सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। या जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है यानी जमीन पर रहने वाले जो फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या वो जाके पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इकोसिस्टम होता है वो वैरी करता है एक दूसरे से, इकोसिस्टम क्या करता है, एक दूसरे से वैरी करता है, यानी एक दूसरे से अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं वो दूसरे इकोसिस्टम में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो डिजर्ट में रहने वाले जीवित हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजर्ट में रहने वाले हैं, वो डिजर्ट से उठ के टुंड्रा वाले रीजन जहां हमेशा बर्फ रहती है वहां उस पोर्शन में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये यहां का जो इकोसिस्टम होगा वो इस वाले इकोसिस्टम से क्या होगा, अलग होगा। उसी तरह से अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा वो अलग होगा किससे, डिजर्ट इकोसिस्टम से या टुंड्रा इकोसिस्टम से, वो क्या होगा, वो अलग होगा। वो किस बेस पे अलग होगा, देखो क्योंकि ये जो आपके पास जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है ये यहां पे जो यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे जो
वेरिएशन है, किस में वेरिएशन है, इकोसिस्टम में। यानी अगर आप इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द वेरिएशन इन इकोसिस्टम आवर द प्लैनेट। यानी प्लैनेट अर्थ पे जो अलग अलग इकोसिस्टम है, हमारे पास जो डिफरेंट इकोसिस्टम है, यानी ये इकोसिस्टम है, ये एक दूसरे से वैरी करते हैं, वैरी VARY वैरी, यानी अलग अलग है। क्यों? इसलिए अलग है क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं वो दूसरे इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो इकोसिस्टम जो है वो क्या है, वो अलग अलग होता है। अब जो अलग अलग इकोसिस्टम है उसी चीज को हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज वेरिएशन इन इकोसिस्टम ओवर द प्लैनेट। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। वंस अगेन, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द वेरिएशन इन इकोसिस्टम ओवर द प्लैनेट। यानी प्लैनेट अर्थ पे जो हमारे पास अलग अलग इकोसिस्टम है, क्या है, अलग अलग इकोसिस्टम। अलग अलग इकोसिस्टम किस बेस पे डिपेंड करता है? देखो, मैं मान लेता हूं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी जमीन पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी कई पार्ट्स हैं, जैसे उसमें आ जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ जाता है, डिजर्ट इकोसिस्टम आ जाता है। क्या ये इकोसिस्टम जो है ये एक दूसरे से वैरी नहीं करते हैं? कैसे वैरी करते हैं? क्यों? क्योंकि डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स जो स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं, वो दूसरे इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यानी पानी में रहने वाले जीवित हैं वो जमीन पे आके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या जो जमीन पे रहने वाले जीवित हैं, जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो पानी में जाके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या जो मैं एग्जांपल दूंगा, जो डिजर्ट में रहने वाले जो हमारे पास एनिमल्स हैं या स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है ना, क्या वो टुंड्रा पे जाके, टुंड्रा इकोसिस्टम में जाके, टुंड्रा इस वाले रीजन में, ठंडे इलाके में जाके सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इकोसिस्टम का अंतर है, ये जो इकोसिस्टम का, एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम के साथ जो डिफरेंस है, उसी को कहते हैं हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन इन इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम का अंतर, एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम का के साथ का जो डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब ये डिफरेंस कैसे है, मैंने तो आपको बता दिया, ये डिफरेंस जो है ये कैसे है, क्योंकि एक इकोसिस्टम में जो सर्वाइव कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब है जो इस ज्योग्राफिकल एरिया में जो नंबर ऑफ जो स्पीशीज हैं, जो स्पीशीज सर्वाइव कर रहे हैं, वो डिजर्ट वाले इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही चीज तो एक इकोसिस्टम को दूसरे इकोसिस्टम से क्या करते हैं, वेरी करती है, अलग करती है, और उसी चीज को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब यह हुआ कि वेरिएशन इन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम का वैरी होना। वो इकोसिस्टम का वैरी किस तरह, इकोसिस्टम का वैरी होना, यानी एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम से वैरी होने का मतलब यह हुआ कि एक इकोसिस्टम जो है वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं वो दूसरे इकोसिस्टम में जाके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कर पाएंगे, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, काफी चीजों पे वो डिपेंड करता है, वो वेजिटेशन पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे जो वो डिपेंड करता है। इसलिए हमें ये समझ आ गई कि जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब ये ही हुआ कि जो हमारे पास जितने भी इकोसिस्टम है, अगर मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एग्जांपल दूंगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ जाएगा, डिजर्ट इकोसिस्टम आ जाएगा। अब ये इकोसिस्टम क्या सेम है? नहीं है, ये इकोसिस्टम एक दूसरे से वैरी करते हैं। क्यों वैरी करते हैं? क्योंकि इन अलग अलग इकोसिस्टम में जो वेजिटेशन होगा वो अलग अलग होगा, इन अलग अलग इकोसिस्टम में क्लाइमेट होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए इन अलग अलग इकोसिस्टम में रहने वाले जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब है एक इकोसिस्टम में जो जितने भी स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की सर्वाइव करते हैं, दूसरे इकोसिस्टम में जो है
उस जैसे नहीं होंगे, दूसरे इकोसिस्टम में और वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, तीसरे इकोसिस्टम में और ही किस्म की वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे। तो ये जो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के अंदर है, उसी चीज को हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। साथ अगर आप लिखेंगे इकोसिस्टम, अगर आपको कहा जाएगा पेपर में इस तरह से क्वेश्चन देता है, ए आपके पास यू हैव ए टुंड्रा रीजन, आपके पास एक टुंड्रा रीजन है, वहां पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट ये फ्लोरा एंड फौना है, और दूसरा आपके पास एक डिजर्ट इकोसिस्टम है, तो आपके पास डिजर्ट इकोसिस्टम है तो वहां पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, आप बताओ ये कौन सी लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी में आएगा? आप लिखोगे इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। क्यों? क्योंकि ये यहां पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो दो अलग अलग इकोसिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं, दो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास जो इकोसिस्टम होगा वो कौन सा होगा, सॉरी डायवर्सिटी जो होगी वो इकोसिस्टम डायवर्सिटी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई। अगर आपको ये लेक्चर समझ आता है, आई होप कि आप जो है मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बाद हम दूसरे पार्ट में पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी और कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, और चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, और पांचवें पार्ट में हम पढ़ेंगे रेड डाटा बुक पब्लिश्ड बाय IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। नहीं भूलेगा, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जो है खान मेंटोर क्लासेस है, और मैं आपको जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर्स जो है पसंद आते हैं, मुझे उम्मीद है आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मुझे उम्मीद है आप मेरी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।